हम लोगों ने मॉर्निंग का शिफ्ट का यूटीग्राम का रिपोर्टिंग किया, आप लोगों ने देखा भी होगा। सुबह में जो एग्जाम था वो डोमेन पेपर का था, यानी यूजी में जो डोमेन पेपर का जो एग्जाम था, जो पेपर होता है उसका एग्जाम था। बेसिकली डोमेन हर कोई बच्चा नहीं लेता है, जिसको डीयू जाना है वहाँ पे डोमेन की रिक्वायरमेंट होती है, या बीटेक करना है तो उसके लिए डोमेन की रिक्वायरमेंट है, बीएचयू में आपको एग्रीकल्चर करना है, बीएससी करना है, बायोमैथ करना है, तो इन सब लोगों के लिए कहने की डोमेन की रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन अगर कोई बीए करना चाहता है, बीए एलएलबी करना चाहता है, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है जनरल टेस्ट और साथ में लैंग्वेज पेपर। तो आज लगभग आफ्टरनून बच्चे घुसे हैं एग्जाम सेंटर में, लोग जो ये स्थान है ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पीछे आप जो बाउंड्री देख रहे हो ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बाउंड्री है, बहुत सारे बच्चों का ड्रीम भी है। क्या बनना है? एम तो ऑफिसर्स। अच्छा, मतलब यूपीएससी वगैरह देख रहे हो? अच्छा, एनडीए। बहुत बढ़िया। अभी क्या किस चीज का सब कोर्स क्या आगे ऑप्ट करने वाले हो? लाइक बीए, बीकॉम, बीटेक ही करो? आज बेसिकली मुझे बीटेक वाले बहुत मिल रहे हैं, तो बीटेक करके ऑफिसर कैसे बनोगे? अरे तो एनडीए में बीटेक को तो पढ़ाया जाता है। अच्छा अच्छा, मतलब एक्स वाई एयरफोर्स ये सब ट्राई करना चाहते हो? एयरफोर्स। अच्छा चलो, ऑल द बेस्ट, मैं करूंगा नजर आओ और भी देख लेते हैं बच्चों से। ठीक है, कैसा गया पेपर? मतलब सुबह से आए हो? केमिस्ट्री का दिया, कैसा गया केमिस्ट्री? और लैंग्वेज? लैंग्वेज में इंग्लिश था। कैसा गया? और जी जनरल टेस्ट पे क्या कहना चाहोगे? ट्वेल्थ लेवल पे जनरल टेस्ट की तैयारी हो नहीं पाती है, साइंस बैकग्राउंड से हो तो नीड टू प्रिपेयर विथ एक्स्ट्रा टाइम, तो वो चीज़ें नहीं थी कहीं ना कहीं। तो क्या लगता है कि जो एम है टू गेट एडमिशन टॉप यूनिवर्सिटीज में वो मिल पाएगा? कल क्या है? अच्छा, मतलब बीटेक वगैरह करना है क्या? बी एस सी मैथ या बायो? मैथ्स करना है। चलो ऑल द बेस्ट। क्या बीएचयू से करना है? अच्छा, से देखो आज देख लिया लगभग एनसीईआरटी बेस्ड ही है, तो आज थोड़ा उसी तरीके से रिवीजन कर लो, बाकी तो तैयारी की ही होगी। ट्वेल्थ में कितना परसेंट है? 67। अच्छा है, थोड़ा मतलब मेहनत करो, और ये नहीं कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन अगर क्योंकि मैं बहुत लोग से मिला बातें किया, अगर नहीं होता है तो अच्छे से प्रिपेयर करके नेक्स्ट टाइम और दे लेना। अगर गैप ईयर नहीं हो, मतलब अभी जस्ट रिसेंट के स्टूडेंट हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से प्रिपेयर करके। अच्छा, ऑलरेडी गैप ईयर है तो थोड़ा सा मतलब अपने आप को प्रिपेयर करो फिर। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग में जाने की कोशिश किया कि जो जनरल टेस्ट का पेपर है वो एक्चुअली हार्ड है, या मुझे लगता है कहीं ना कहीं लैंग्वेज को लेकर रिव्यू इसलिए अच्छे हैं क्योंकि लोगों ने अपने बोर्ड एग्जाम के लिए भी लैंग्वेज को पढ़ा है। पैसेज को सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती है, बुकें वगैरह पढ़ते ही हैं बच्चे, और ये जितने बच्चे हैं लगभग अप्रॉक्स कन्वेंट स्कूल के हैं, तो मुझे लग रहा है वो इंग्लिश में अच्छा कर सकते हैं। मुझे कोई हिंदी वाला बच्चा मिला नहीं कि मैं हिंदी का रिव्यू ले पाता। ठीक है, होपफुली मैं कुछ बच्चों से बात करूंगा अपने स्टूडियो में, जो मेरे बच्चे पढ़ाए हुए हैं उसमें कुछ हिंदी वाले, फिर पता चलेगा कि एक्चुअली जो है वो हिंदी का क्या रिव्यू देते हैं। ठीक है, तो क्या कोई है ऐसा? अरे हिंदी का यहाँ पर नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ठीक है, मुस्कुराते रहें और ऐसे ही रिव्यूज वीडियो जरूर देखें। शाम में मैं स्मार्ट बोर्ड पे जो कट ऑफ डिस्कशन है वो करने वाला हूँ कि आपको टॉप यूनिवर्सिटीज लाइक डीयू लेना है, जेएनयू लेना है, बीएचयू लेना है, तो इन यूनिवर्सिटीज के लिए अप्रॉक्स क्या वो टॉप मार्क्स हो सकता है, क्या वो लो मार्क्स हो सकता है, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं, वीडियो को जरूर अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। हर हर महादेव, ऑल द बेस्ट। अच्छा, प्राइवेट क्यों, इतना क्यों इंटरेस्ट है? क्या ये गलगोटिया और ये अमेठी वगैरह क्या? नहीं नहीं, ये सब बेकार है। फिर प्राइवेट में कौन सा सोच रहा है? अच्छा, डीयू में तो ऑलरेडी, डीयू तो अच्छा कॉलेज है। क्या एम क्या है, बनना क्या है? अच्छा, बीटेक। तो जी हां, दिया लेकिन उसका मैथ्स में कितना आया? 12th में 74।